हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट कुकिंग विद रजनी में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च का भरवा यानी कैप्सिकम का भरवा। ये देखिए लग रही है ना एकदम खिली खिली सी, बिल्कुल आपके भी भरवा इस तरह से बनेंगे। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है और थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें लेना है पोटैटो, ये हमने कैप्सिकम लिया हुआ है, हमारा पाव किलो से थोड़ा सा ज्यादा कैप्सिकम है। गार्लिक, कोरिएंडर, यह हमने रोस्ट करके ले चुका है। यह हमारा पंचफोरन है। सॉल्ट, ऑयल, लेमन। चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। हमने ले लिया है अपना रोस्ट किया हुआ धनिया, यह हमने एक कटोरी धनिया लिया हुआ है, उसमें 1 स्पून मैंने पंचफोरन डाला हुआ है। यह हमने गार्लिक ले लिया है, आप अपने वेजिटेबल के अनुसार नमक ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें हम थोड़ा टर्मेरिक भी ऐड करेंगे। अभी हमने मिर्च को अपने धो लिया था, ये देखिए इस तरह से बीच से थोड़ा सा कट करना है, पूरा इसे कट नहीं करना, बस थोड़ा सा ही करना है। हमने मीडियम साइज के शिमला मिर्च लिए हैं, ये देखिए इसे भी इस तरह से कट कर लिया है हमने। इसमें हम स्टफिंग करेंगे इसका। ये देखिए हो गया हमारा कट करके, यह हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से इसमें भरना है हमें। हम 1 स्पून करके, 1-1 स्पून करके एक मिर्च में जाएगा हमारा मसाला। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नाप नहीं है इसका। ये देखिए इस तरह से हमने भर लिया है, ये देखिए हमारा भर करके रेडी हो गया है। आप ऊपर से भी अगर इसका कैप निकाल करके इस तरह से भी इसे भर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से भरना हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा भर करके हो गया है। मसालों को हम साइड रख लेंगे। अब हमने लिया है हरा मिर्च, आप कोई भी मिर्च ले सकते हैं, इसके बड़े बड़े भी मिर्च आते हैं, हमारे पास यही अवेलेबल था इसलिए हमने यही लिया हुआ है। इसे हम ऐसे ही कट करेंगे जिस तरह से हमने शिमला मिर्च कट किया था। ये देखिए बीच से इसे भी कट कर लेना है और इसे हम कट करके रख लेंगे। इस तरह से एक एक करके रख लेना है। ये देखिए हमने पूरा कट करके रख लिया हुआ है। अब हमने इसमें मसाला भरा जैसा कि हमने शिमला मिर्च में भरा था। ये देखिए इसकी स्टफिंग हो चुकी है, इसे भी हम साइड में रख लेंगे। ये देखिए हमारे साइड में मसाले रख लेंगे, इसे हम पोटैटो के लिए रख लेंगे। हमने ऑयल ले लिया है, आपको जो भी ऑयल लेना है ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। अब हम एक एक करके अपने मिर्च को इसमें डालते हुए जाएंगे। हमारा गैस का फ्लेम फास्ट है अभी। ये देखिए हमने अपने सभी मिर्च को डाल लिया है, हमने इसके अंदर पोटैटो नहीं डाला है क्योंकि जिसको भी डाइट में अपने वेजिटेबल चाहिए वो कैप्सिकम ले सकता है, जिन्हें नहीं चाहिए वो पोटैटो भी खा सकता है, इसलिए हम दोनों ही साथ में बनाते हैं। इसे देखिए चलाते जाएंगे और ये देखिए हमारे मिर्च का कलर भी कितना बढ़िया दिख रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए हमने अपने पोटैटो के पीसेस को इसमें डाल लिया है। अब हमने जो अपना साइड में मसाला रखा था वो भी इसमें डाल लेना है। डालने के बाद
ये देखिए हमने 2 स्पून डाला हुआ है, ये देखिए इस तरह से इसको चलाना है। और नमक आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको बराबर लगता है तो ठीक है, नहीं तो कम लगता है तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं इसमें नमक। ये देखिए ये थोड़े देर तक हमारा पक गया है। अब इसमें हम मिर्च भी अपना डाल दिए। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे करके ढक करके पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसे हम चलाते रहेंगे। आप इसे बनाते हुए अपने और भी काम कर सकते हैं। ये देखिए इसे चलाते हुए फिर से हमें ढक देना है। हमारा मिर्च भी साथ में रेडी हो रहा है, वेजिटेबल भी रेडी हो रहा है। आप इसे पूरी पराठा रोटी किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। टेस्टी बहुत अच्छी लगती है ये भाजी। ये देखिए हमारा कलौंजी कितना बढ़िया बन करके रेडी हो रहा है। ये देखिए देखने में भी ये कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए अब हमारा ये कलौंजी बन करके रेडी हो गया है। अब इसे हम दबा करके देखेंगे कि ये दब रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल अच्छे से दब गई है, इसका मतलब हमारे कलौंजी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए आप स्पून से भी इसे चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसे फिर से हम पुश करके देखेंगे इसे। ये देखिए इसमें भी एकदम बढ़िया से हमारे हो गए हैं। अब हमारा ये स्टफिंग का वेजिटेबल रेडी हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।